हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टेक जर्मनी यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास है ये रियलमी 8i का बुक्स। ये अभी फ्लिपकार्ट से मंगवाया था बिग बिलियंस डे पे, तो आज इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो सबसे पहले इसके ऊपर ये आता है, ये है इसका फ़ोन का कवर और ये है कुछ पेपर बॉक्स। उसके बाद अपना आता है मोबाइल, इसको साइड में रखते हैं। और इसके साथ ये फास्ट चार्जर आता है और ये आती है साथ में केबल, टाइप सी की केबल है। अब इसको साइड में रखते हैं। इसको भी साइड में रखते हैं। ये कुछ ऐसा इसके साथ कवर आता है। कवर की क्वालिटी ठीक है, फ्लेक्सिबल सा है, अच्छा है कवर। थोड़ा ये डार्क से कलर का आता है, ये पर्पल कलर का मैंने मोबाइल मंगवाया है तो उसके हिसाब से ही है ये फ़ोन का कवर भी। कुछ इस तरीके का सिम इजेक्टर टूल इसके साथ आता है। अभी फ़ोन की टर्न है, फ़ोन निकालते हैं। कुछ इस तरह का हमारे पास आता है मोबाइल। सबसे पहले इसका ये उतारते हैं। काफ़ी अच्छा है मोबाइल तो लुक वाइज। इसमें नीचे 3.5 mm की जैक दे रखी है, नीचे ही इसमें टाइप सी का चार्जर है, साइड में लॉक है और साइड में ही फिंगरप्रिंट है इसके। और लेफ्ट साइड में जो है वॉल्यूम रोकर्स है, फ्रंट में पंच होल कैमरा है। इसको ऑन करते हैं अब जल्दी से। तभी मोबाइल ऑन हो रहा है, तब तक मैं आपको इसकी कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ। इस मोबाइल की स्क्रीन पे कंपनी की तरफ से ही एक छोटा सा गार्ड लगा हुआ था और साथ में कवर आता है। तो आपको इस पे लेमिनेशन वगैरह कराने की मुझे तो लगता नहीं कि कोई ज़रूरत है। हाँ, साइड्स में आप करा सकते हो, बैक में तो लेमिनेशन का कुछ काम ही नहीं है क्योंकि ये काफ़ी शाइन वाली बैक है। फिर लेमिनेशन करा दी तो इसकी शाइन जो है ख़राब हो जाएगी। तो फ़ोन को सेटअप मैंने कर लिया है। सबसे पहली चीज़ मुझे आपको ये दिखानी है, इसका लॉक देखिए कितना फास्ट है। लॉक इसका काफ़ी फास्ट है मोबाइल का। बाकी इसकी लुक्स आपने देख ही ली है, लुक्स काफ़ी अच्छी हैं। पीछे से काफ़ी शाइनी सा है। जो 8 सीरीज़ के आते हैं उसमें डेयर टू लीप लिखा रहता है, उससे तो काफ़ी अच्छा है। बैक में जो कैमरा है इसका, मेन कैमरा 50 MP का है। फ्रंट में पंच होल कैमरा है। और जो इसकी स्क्रीन है, स्क्रीन की मेन हाईलाइट इसकी है कि ये IPS डिस्प्ले है, बट इसमें 120Hz का रेफ्रेश रेट आता है। कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस है। यूज़र इंटरफेस तो इसका वही है रियलमी वाला। इसमें कुछ ये ऐप्स प्री इंस्टॉल्ड आती है, व्हाट्सएप वगैरह तो मैंने अभी किया है। काफ़ी सारी ऐप्स जो है, स्नैपचैट और भी बहुत सारी। इसमें इसका UI थोड़ा सा इतना क्लीन नहीं है। अगर आपको क्लीन UI चाहिए सैमसंग की तरह, तो इसका क्लीन नहीं है इतना UI, बट मोबाइल ठीक है लुक वाइज। अभी आपको इसका कैमरा दिखा देता हूँ, कैमरा सैंपल्स मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी इसके कैमरा में काफ़ी सारे फीचर्स हैं। 50 MP का स्पेशल एक ऑप्शन है और इसमें अल्ट्रा माइक्रो का ऑप्शन है, मूवी के लिए दिखा रखा है। और जो इसकी फ्रंट फ़ोटोज़ है, फ्रंट फ़ोटोज़ में तो ये अपने आप ही फ़िल्टर वगैरह लगा देता है, तो ये थोड़ा सा इश्यू है। और अगर इस मोबाइल की प्राइस की बात करें तो दोस्तों, ये मोबाइल अभी 13,999 रुपये में मिल रहा था, तो मैंने अभी मंगवाया था इसको। और जो वैसे नॉर्मली इसका जो प्राइस होगा
वो 14,000 होगा, 13,999 रुपये। बैंक ऑफर्स वगैरह तो चलते रहेंगे, अभी जैसे दिवाली की भी सेल आनी है और उसके बाद क्रिसमस की आएगी, न्यू ईयर की आएगी, तो उन पे भी आपको ऑफर्स वगैरह तो मिलते रहेंगे। नोटिफिकेशन बार कुछ इस तरह का इसका।